हेलो जी, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल जमा दादी। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड मैं भी ठीक हूँ। और मैं आज के ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ सुबह 9 बजे से। आज मैं 8 बजे उठी हूँ, मुझे खुद विश्वास नहीं हो रहा इतना लेट। तो अभी मैं लगा रही हूँ पोछा, फिर उसके बाद और को बिठाते हैं पढ़ाई करने के लिए। मिलती हूँ आप सबसे थोड़ी देर बाद। पोछे लगा के अभी हुई मैं फ्री। बाल आ रहे थे बार बार आके, तो हेयर बैंड लगाया। अब ये बाल ऐसे लग रहे हैं चुड़ैल के ज़रा। वैसे चुड़ैल तो मैं हूँ ही। अब मैं ना कपड़े डाल लेती हूँ सूखने के लिए। कल बहुत तूफान हो रहा था और सूखे थे कपड़े, पर बारिश से भीग गए थोड़े थोड़े। ये टेढ़ी टेढ़ी बारिश आ रही थी, कोई थोड़ा धूप तो है नहीं, पर चलो थोड़ी देर डालती हूँ सूख जाए, फिर तेल लगा के उठा दूँगी। इस महाराज को भेजा मैंने नहाने, अब क्या छूट गया? क्या रह गया? टी शर्ट क्यों नहीं पहननी? दूसरी तो दिया मैंने। अच्छा, दो दो ले गया था। अच्छा चल, चलो रे भाया, हल्की हल्की धूप लगी है, कपड़े डाल लेते हैं सूखने। यहाँ पंचायत में मेडिकल कैंप लगा है आज, तो जब मैं भी चेक करवाई आती हूँ। पापा वैसे शुगर टेस्ट हो रहा है, चलो करवाई आती हूँ। और आए इसका अगर बताते हैं उसको, दिखाते हैं उसको क्या दिक्कत है इसमें, नहीं तो फिर मुझे जुगिंदर नगर ही जाना पड़ेगा। यहाँ लगा है मेडिकल कैंप, तो अंदर नहीं दिखा पाऊँगी मैं, नहीं तो डॉक्टर बोलेंगे वीडियो क्यों बना रही हमारी। लेंगे चाय का आनंद विद गर्मा गर्म पकौड़ा। चटनी मैंने इसमें डाल दी है ऊपर से, पर बैठ चल। शिवरात्रि से आए हैं देवता, निकल गए यार। मैंने सोचा यहाँ से जाना है इन्होंने, नागचरी नहीं जा रहे हैं ये, यहाँ से होगा इन्होंने जाना होगा इधर से शॉर्टकट। शॉर्टकट कैसा बना पता नहीं, अब कौन से देवता है ना ये, गरीब डिगली में तो नहीं है जातर। हो गया रथ, जय हो जय हो। बहुत मौसम खराब हो गया रे बाबा, चल पढ़ाई करने, पढ़ाई करने चल, पढ़ाई करने मिट्टी नहीं चलानी चल यार। पर सीधा चल चुपचाप अंदर। प्लान तो है कल का हमारा, कि कल जाना है रिकॉर्डिंग के लिए, जाना है कल। तो देखते हैं, अभी करती हूँ तैयारी थोड़ी सी, जाना हुआ तो ज़रूर मैं ब्लॉग बनाऊँगी। और ये ना मेरे को चिढ़ा रहा है पीछे से बंदर कहीं का, ब्लॉग भी बनाने दे रहा मेरे को। चल दे दे गाइस, 5 रुपये ले लो गाइस, 5 रुपये ले लो। जिसके कमेंट में 0 लाइक है 5 रुपये वो देगा मेरे को। लिख लेती हूँ थोड़ा सा, नींद भी आ गई मतलब। फिर जाती हूँ डिनर की तैयारी करते हैं। वो यार प्याज खत्म हो गया है, प्याज लाना पड़ेगा, सब्जी लाना पड़ेगी, बाहर बारिश लगी है, कैसे जाएंगे? पकौड़े लाने को तो चले जाएंगे, तो पकौड़े लाने को आप गए थे, इट मींस सब्जी लाने भी आप ही जाओगे। जाओगे जाओगे नहीं, मैं सब्जी खुद ही ले आऊंगी, क्योंकि कहीं खराब लेके आए तो फिर पापा डांटेंगे, है ना। और आज मेरी आंखों में ना थोड़ा सा फर्क नजर आ रहा है मुझे, थोड़ा सा। क्या फर्क? ज्यादा नहीं, मतलब कि स्किन वैसे थोड़ी सी पीछे हट गई और दर्द नहीं हो रहा। ओह, नानी क्या बोल रही है? मम्मी, नानी डोलू देता, डोलू देता।
सब्जी कैसे लाएंगे, बारिश बहुत तेज लगी है बाहर। सब्जी नहीं खाएंगे आज, नहीं खाएंगे तो क्या खाएंगे? तो हम नहीं खाएंगे रे, बाबा शिव खाया। आप तो अंडे खाएंगे, मैं क्या खाऊंगी डंडे? मैगी तो मैगी ले आओ, मैगी बना देती हूँ अपने लिए, आप लोगों को ऑमलेट बना देती हूँ। हमारे हिमाचल के नरेंद्र मोदी जिसका चश्मा फटा हुआ है चश्मा है पापा ने, एक का लेंस है नहीं, एक का है और चश्मा, एक का लेंस है नहीं और एक का है और लगाया हुआ है तब से किसने बोला? अच्छा ओके, मम्मी जा रहे हैं भेड्डू के पास अपनी ड्यूटी पूरी करने। पढ़ ले यार प्लीज। नहीं अभी नहीं, अभी नाइन नहीं बोलो, बहुत टाइम है ना चीजें। यार प्लीज यार परू, दिमाग खराब मत कर मेरा, चुपचाप से पढ़ ले, चल जल्दी कर। लाइट चली गई परू, अगर लाइट नहीं आई तो कैसे पढ़ेंगे रे बाबू? तब बोल रही थी परू पढ़ रहे पढ़ रहे पढ़, फोन कब तक चलेगा? फोन में टॉर्च चलेगी जब तक है लाइट, तब तक करेगा परू पढ़ाई। ये नहीं करूंगा, लाइट चले गई। हाथ उठा टेंगे टेंगे। नकल करता, नकल उतारता रहता मेरी। तो गाइस मामा के मुंह में पिपड़ी का झाग आ गया था, जिससे मामा ऐसे बोले जैसे मैं बोल रहा हूँ। डिनर करने के बाद ना मेरे को अजीब सा ये मतलब डकार सा आया, और जो खाया था वो सारा गले पे पहुँच गया, और ऐसा मिर्च वाला। तो कोई मैं लगभग 5 से 7 मिनट तक ना बात कर पा रही थी, ना बोल पा रही थी कुछ, बस यहाँ से इधर यहाँ तक, और यहाँ कानों में, यहाँ से पूरा इधर पूरा गले में दर्द, और मिर्च मिर्च जैसे बड़ा बहुत दर्द हुई। फर्स्ट टाइम मुझे ऐसा हुआ, तो हालत मेरी बड़ी ख़राब हो गई। अब पकौड़े खा लिए थे मैंने चाय के साथ, दिन को मैंने घी खा लिया था, और अभी शाम को मैगी में घी डाला था, उस वजह से हो गया ज़्यादा। अब तो घी बंद करना पड़ेगा, भाई गॉड गर्मी में तो है ना परी, मैं तो घी खाया भी नहीं था, मैगी बना। परेशान हो गई मम्मी भी, मेरे को पता नहीं क्या, बर्तन धोने पड़े मम्मी को बेचारे को। मामा मेरे को पता नहीं क्या है ना, अजी सा गले में ठंडा ठंडा लगता है बिल्कुल अंदर से। आज का व्लॉग आप सब लोगों को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं, और नया व्लॉग देखने के लिए चैनल को करना सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। तब तक के लिए जय माता दी, जय बापा।